हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम पर्यावरण कवर करेंगे। इससे पहले हम पर्यावरण की दो क्लासेस कवर कर चुके हैं, ये तीसरी क्लास हमारी रहेगी पर्यावरण की, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और गाइस, ये जो 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ये मोस्ट आईएमपी लेवल के क्वेश्चन आपके रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम से ये एप्लीकेशन पर रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। गाइस, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, या एक बड़ी खुशखबरी भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या है कि हमने जो हमारी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, गाइस शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में यहां पर आपको इसके स्पेशल ऑफर आपके लिए लेकर आए। इसके लिए 90% यानी अप टू 90% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा इस पर। तो इसको अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि 90% के लगभग का डिस्काउंट इस टेस्ट सीरीज पर आपको मिल रहा है, और ये ओनली 2 दिनों के लिए है। 2 दिन के बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो अभी परचेस कर सकते हैं, उसके बाद में ये ऑफर आपके लिए नहीं रहेगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सारी डिटेल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो स्थित है, ये आपकी कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में ये भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सिंह वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में ये आता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था, और अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम अब कर दिया गया है, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? यह नेशनल पार्क, तो ये एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये उत्तराखंड में आपका स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एशियाई हाथियों के लिए और उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये दूधराज है, जिसको साहा बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो ये कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान किया गया, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसलिए, ध्यान रखिएगा। और ये जो है मध्य प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, और मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी यही है। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा, कान्हा किसलिए मंडला में स्पेशली है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। टाइगर जो टाइगर राज्य है, इसको किस राज्य के को जाना जाता है टाइगर राज्य के नाम से? तो देखिए, टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर वन राष्ट्रीय जो उद्यान है गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को वैसे सह्याद्री कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है पॉइंट। भारत का जो पश्चिमी घाट है, इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे जो धनी स्थल है, अगर जीव विविधता की दृष्टि से हम देखें, तो पश्चिमी घाट है, जिसको हम सह्याद्री के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, जो कि तमिलनाडु राज्य में आती है, नीलगिरी की पहाड़ियां, यहीं पर इसका मिलन बिंदु है इन दोनों घाटियों का, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का। तो ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु की। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधा अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसे कब स्थापित किया गया था? देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसको स्थापित किया गया था, और जब इसको स्थापित किया गया था तो हेली राष्ट्रीय उद्यान करके इसका नाम रखा गया था, बाद में इसका नाम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कार्बेट है, और ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसलिए उत्तराखंड का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाइस, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम था। गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य का चयन किया गया है? तो पालपुर कोनो अभयारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के श्योपुर में, इसका चयन किया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन कौन सा है? तो ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदर वन मैग्रोव वन है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मैग्रोव वनस्पति यानी ज्वारी वन कहाँ पाई जाती है? ये सुंदर वन पश्चिम बंगाल में पाई जाती है सर्वाधिक मैग्रोव वनस्पति। गंगा डेल्टा की मैग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा की मैग्रोव वनों को सुंदर वन के नाम से बोला जाता है।
सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो ये मैग्रो वनस्पति होती है, सुंदरी वृक्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा वन कहां पर पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों में देखने को मिलते हैं भारत में वर्षा वन। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहां से प्राप्त होता है? तो ये विलो नामक लकड़ी लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं और यह लकड़ी शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? 33% के समथिंग वन आवश्यक होने चाहिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो ये चमोली जिला था उत्तराखंड में, यहीं से इसका शुभारंभ या आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो गाइस नंदा देवी जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? ये बन्नरघट्टा में है, जैविक उद्यान बेंगलोर में ये आपका आता है। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपका किस राज्य में है? असम में स्थित है गाइस, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है माजुली द्वीप, जो कि संसार का या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में आपका सही जवाब रहेगा, साइलेंट जो वैली है मौन घाटी के नाम से इसको जानते हैं, ये आपकी केरल राज्य में स्थित है। दाचीगांव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगांव अभयारण्य, और ये एकमात्र अभयारण्य जहां पर कश्मीरी महामृग जो कि हांगुल जिनको बोला जाता है ये यहां पर पाए जाते हैं, तो कश्मीरी मृग के नाम से जानते हैं आप सभी, वो यहीं पर पाए जाते हैं दाचीगांव अभयारण्य में, जो कि जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? समुद्री जो गाय है गाइस ये आपकी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन और पेड़ों से आच्छादित है? तो यह 24.16% है आपका सही जवाब रहेगा, 24.16%। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 2008 में, ध्यान रखिएगा, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना थी, जिनको NAPCC बोलते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखिएगा 2008 में ये प्रकाशित हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो ये जो है ये चीन है विश्व का सबसे बड़ा, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 28% हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC बोलते हैं, एक राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया था 1992 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरो में ही हुआ था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाब्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। विश्व के 3 ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? देखिए विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग अगर हम बात करें 5% आता है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? तो ये उपजी थी 1997 में जो हुआ था आपका क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें ये उपजी थी, इसमें इसका उद्भूत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो ये मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं जुगाली करने वाले पशु। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर के द्वारा दी गई थी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश बना है भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए क्योटो जो प्रोटोकॉल है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय को उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो ये कैरोटीनाइड है, कैरोटीनाइड ये जो एक प्रकार का वर्णक है वनस्पति वर्णक है जो कि पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेप का जो मुख्यालय है ये आपका नैरोबी में केन्या में आता है। इकोमार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है?
तो धारणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान के लिए जानी जाती है। इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है ईपीए यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, यहाँ पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका पूर्ण नाम आपको बताना था जो कि हमने आपको बता दिया, ईपीए का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचकांक सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये ओस्लो में किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेघा पाटकर कौन है, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेघा पाटकर एक पर्यावरणविद है और सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर। ग्रीन पीस क्या होता है, गाइस ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ग्रीन पीस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है, पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है ग्लोबल 500 पुरस्कार। आईएसओ 14001 क्या है, यह 14001 क्या है, तो आईएसओ का आप सभी जानते हैं ये एक तरह से इको मार्क होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है ये आपका आईएसओ, जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाई को दिया जाता है। राष्ट्रीय राजीव गांधी वन्य जीव या वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई थी। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अधिकारियों और फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, डब्ल्यू एम एडम्स जो है ये इस पुस्तक के लेखक है, ग्रीन डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो गाइस ग्रीन इंडेक्स जो विकसित किया गया डेवलप किया गया है ये विश्व बैंक ने इसको डेवलप किया है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून, ये आप सभी को बताइए। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में इसका मुख्यालय है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, एमआईसी गैस का रिसाव हुआ था, इसका पूरा नाम पूछ रहे हैं, मिसाइल आइसोसाइनाइड इसका पूरा नाम है। इस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में 1984 में, यह घटना हुई थी 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात को, तो ये तो आप सभी आई थिंक पता होगा। और देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से जरूर से क्वेश्चन बनता है भोपाल गैस त्रासदी से, इसको आप एक नजर देख लीजिएगा। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधित प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में ये बना था। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, बेंगलोर, आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। सलीम अली कौन थे, ये एक पक्षी विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया, 1973 में सबसे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। भारत में वन महोत्सव के दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, वन महोत्सव दिवस जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था, गाइस ये के एम मुंशी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन के एम मुंशी ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है, तो ये पर्यावरण विकास पर 1992 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ध्यान रखिएगा। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो ये पर्यावरण व वन मंत्रालय होता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से इनका संबंध सीधा सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर है जो कि राजस्थान में, जो कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 1972 में ये लागू हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 1986, आपका सही जवाब रहेगा। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, 2002 में इसको लागू किया। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है, ये परियोजना गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, भारतीय वन सेना की सेवा की स्थापना 1 जुलाई को की गई 1966 में, 1 जुलाई 1966। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को जल मृदुकरण बोलते हैं। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है, तो आश्वन विधि के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो यह वर्षा का जल होता है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो दामोदर नदी है, जो कि प्रदूषकों के कारण जैविक नदी, जैविक मरुस्थल इसको बोलते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है, तो यह आर्सेनिक होता है। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है, 70%, आपका सही जवाब रहेगा। धूम कोहरा का कारण क्या होता है, वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक
ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव धूम कोहरा होता है। अम्ल वर्षा क्या है? तो अम्ल वर्षा बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, ध्यान रखिएगा, ये अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा के बारे में आई थिंक आप समझ चुके होंगे धूप कोहरा और अम्ल वर्षा क्या होती है। गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए थे वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा स्पेशल ऑफर जो चल रहा है अभी हमारा 2 दिन चलने वाला है शिवरात्रि महा स्पेशल ऑफर, इसको अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट उसमें नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि काफी स्पेशल ऑफर है। इसके बाद में ये ऑफर आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में स्पेशल ऑफर और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कोई डाउट है कुछ क्वेरी से आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट स्टडी वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।